ईथन की तलाश। दूर साइबरा राज्य में मेल नाम की राजकुमारी और उसका भाई राजकुमार ईथन रहते थे। जबकि उनके माँ बाप दूसरे राज्य को संभाल रहे थे, ईथन और मेल को उनकी तकनीकी ज्ञान और युवा होने की वजह से इस कंप्यूटराइज्ड राज्य को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेरा एलईडी विंडो पैनल काम नहीं कर रहा है। ओ, ईथन संभाल लेगा। जीत गया। असिस्टेंट रॉबर्ट, वाईफाई को पैनल से अलग करके फैक्ट्री रीसेट करो, काम हो जाएगा। जरूर रानी साहिबा। राजकुमारी मेल एक जिम्मेदार लड़की थी और राजकुमार ईथन हमेशा अपने वीडियो गेम्स में व्यस्त रहता। चलो ईथन, खाना खाते हैं। आखिरी लेवल, फिर मैं सिल्वर तक पहुंच जाऊंगा। ईथन गेम्स के लिए पारिवारिक सम्मेलन, कार्यभार और खाना सब भूल जाता था। हर कोई ईथन के इस लत से परेशान था। और एक दिन राजकुमारी मेल सीधे उसके कमरे में धमक पड़ी। ईथन, 4 दिन से तुम कॉलेज भी नहीं गए हो। तुम बाद में आना, मैं बोनस लेवल पर हूँ। नहीं, यहाँ अकेले काम करते करते मैं थक गई हूँ। ईथन इतना व्यस्त था कि उसने जवाब तक नहीं दिया। गुस्से में राजकुमारी मेल ने ईथन के हाथ से जॉयस्टिक छीन लिया। तुम भी ना मेल। और जैसे ही मेल गेम का प्लग निकालने ही वाली थी, ईथन जो उसके ठीक पीछे था अचानक गायब हो गया। ईथन? जब तक ईथन गेम को पूरा नहीं करता वो कहीं नहीं जा रहा। मेल! मेल सत्य में आ गई। राजकुमारी ईथन टीवी के अंदर था और जादूगर ने उसे बंदी बनाकर रखा था। ईथन, घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तब तक तुम्हारा भाई मेरा है। जब जादूगर और ईथन गायब हुए, तभी एक लेवल शुरू हुआ। ये क्या है? ईथन बंधी है, उसे आजाद करने के लिए टफ बफ त्रिंगो राक्षस से लड़ना होगा। क्या तुम कर सकती हो? हाँ। मेल तैयार हुई। ट्यूटोरियल की मदद से उसने कंट्रोलर्स को चलाना जल्दी से सीख लिया था और गेम शुरू की। वाओ, तो पहले मिनियंस की बारी। मेल ने मिनियंस को हराया और ड्रिंगो राक्षस के पास पहुंची। इतना खतरनाक राक्षस! मैं लड़ी और उसने ट्रिंगो राक्षस को मिनटों में हरा दिया। उसने राक्षस के गले से चाबी निकाली और ईथन को पिंजरे से छुड़ाने के लिए निकल पड़ी। यस, हरा दिया। चलो चलें। खैर, ये इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि ईथन को एक उड़ते ड्रैगन ने अगवा कर लिया। नहीं! ड्रैगन ने आग उगली जिससे मेल की सेहत बिगड़ने लगी। बुरा हुआ, तुम ईथन के इतने करीब थे और ये कमबख्त ड्रैगन भी ना। अब तुम मुझसे लड़ो वरना तुम्हारा भाई मेरा हुआ। ओह, गेम में मैं कमजोर हो गई हूँ। एक मिनट। मेल ने नक्शे के आसपास देखा और फिर वो एक होटल में चली गई। शहर में नहीं हो? हाँ, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। ओह, तुम जरूर ड्रैगन से लड़ी होगी। तुम्हारी सेहत को बढ़ाने के लिए मैं फ्राइड राइस लेकर आता हूँ। अच्छा, ठीक है। नीव मेल के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया। खाना खाते खाते उन्होंने बात की। तो आखिरी बार तुमने अपने भाई को कहाँ देखा? मैंने देखा कि एक ड्रैगन ने उसे अगवा किया। क्या, एक ड्रैगन? बाप रे! अरे क्या हुआ, वो सुरक्षित तो होगा ना? जब से जादूगर ने संभाला है यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मुझे ही देखो, मैं जादुई शक्तियों वाला योद्धा था, अब लोगों को ठीक करने के लिए होटल चला रहा हूँ। और तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ गई? जादूगर ने उसे छीन लिया। वो खुद को इस धरती का रचयिता समझता है। वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ? जादूगर वैज्ञानिकों का एक पात्र था जो एक नायक बनाना चाहते थे,
पर वो नाकामयाब रहे और वो ऐसा बन गया जो भावनाओं को सोखता है। उसने सबके दुख को सोख लिया। इससे दुनिया शांत हुई पर वो पागल हो गया। आखिर में अपने इस हुनर से वो शक्तियाँ चोरी करने लगा और अब वो सबसे शक्तिशाली इंसान है। ये तो एक खलनायक वाली बढ़िया कहानी है। तो हम उस तक कैसे पहुँचे? तुम्हें ड्रैगन राजा से लड़ना होगा, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा रैंक नहीं है। तुम्हें और खेलना होगा, कार्य पूरे करने होंगे और शहर भर में लोगों की मदद करनी होगी। ओह, ये सब एक ड्रैगन से लड़ने के लिए? हाँ, अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो ड्रैगन राज्य को अनलॉक करने के लिए तुम्हें जादुई चाबी नहीं मिलेगी। ओह, अब ये रहा स्काफ और एक आईना, ये आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा। शुक्रिया नीव, तुमने बहुत मदद की। इसलिए तो मुझे प्रोग्राम किया गया है। अगला लेवल लोड हुआ। इस बीच मेल ने सोचा, मुझे इस गेम के अंदर जाना चाहिए। मैंने उस दिन क्या किया था? क्या मैंने ये किया था? मेल ने वही किया जो उसने पिछली बार किया था और स्वूश, तेज हवा चलने लगी और फिर वो गेम के अंदर आ गई। मैं आ गई। अब गेम में रहकर गेम कंप्लीट करेंगे। ये सालाना कुकिंग प्रतियोगिता को जीतना है। कार्ला की मदद करो लव लेटर भेजने में। पहरेदार को हराकर जादुई मोती को हासिल करो। ये सब क्या है? बस काम है, आसान है। अच्छा, और तुम कौन? मैं टिमी हूँ और मैं भी खोज पूरी करने आया हूँ। तो चलो फिर साथ में करें। हाँ, इससे हमें दोस्ती के लिए बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा है। टिमी और मेल सालाना कुकिंग प्रतियोगिता में पहुँचे। स्वागत है सालाना कुकिंग फेस्ट में। एक मिनट में छोटे प्याज और मकई लेकर आओ। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। तो मुझे क्या करना है? खेत में चली जाओ। कौन सा खेत? खेत में जाओ और मकई लेकर आओ। मैं छोटे प्याज लाता हूँ। समझ गई। मैं तो बस तुम्हें डरा रही थी। मेल खेत में पहुँची लेकिन उसे मकई नहीं मिला। हाँ? मेल ने अपना लेंस पहना, उन चूहों को जल्दी से पकड़ा और मकई को इकट्ठा किया। वो वापस प्रतियोगिता में पहुंची और टिमी हैरान रह गया। तुमने 30 सेकंड में खोज को पूरा किया? बाएं हाथ का खेल था। जैसा कहा गया था, राजकुमारी मेल और टिमी ने पकवान उसी तरह बनाया और वो प्रतियोगिता जीत गए। इनाम में उन्हें क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने बाकी खोज को भी पूरा किया और ड्रैगन राज्य को खोलने के लिए उन्हें जादुई चाबी और जादुई दवाई भी मिली। ये दवाई किस लिए है? शायद ड्रैगन के लिए। राजकुमारी मेल और टिमी ड्रैगन राज्य के अंदर गए। ड्रैगन चैन की नींद सो रहा था। मैं एक सोए हुए ड्रैगन को नहीं जगाना चाहती। बदकिस्मती से इसे उठाना लेवल का एक हिस्सा है। ठीक है। और जैसे ही टिमी ने ड्रैगन को जगाने की कोशिश की, वो पहले ही जागा और वो आग उगलने लगा। वाओ, मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। दोनों ड्रैगन से लड़े। अचानक मेल को कुछ दिखाई दिया। देखो, उसके पेट पर एक तीर है। अच्छा, उस पर दवाई डालो जब तक मैं इससे लड़ता हूँ। मेल ने दवाई का इस्तेमाल किया और ड्रैगन चमकने लगा, इतना तेज कि वो एक सुंदर आदमी में बदल गया। ओ, ये क्या? महाराज एलेक्स, दुनिया का राजा, मेरे महाराज, इतने समय से आप यहीं पर थे? ये जरूर उस जादूगर की वजह से होगा। हाँ, मैंने भी अपनी शक्तियाँ खो दी हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो उससे लड़ सके। बहुत आए पर डर कर वापस चले गए, लेकिन तुम दोनों निडर हो। इसका मतलब हम जादूगर के पास जाएंगे? हाँ, चलो ये लो। एलेक्स ने जादू का इस्तेमाल करके टिमी और राजकुमारी मेल के रैंक्स को बढ़ा दिया। वाह, शुक्र है। ईथन, मैं आ रही हूँ। तो हमें कहाँ जाना होगा? एंटीक स्टोर में जादुई चिराग के पास, वो वहीं रहता है। मुझे लगा उसने आपके राज्य पर कब्जा कर लिया। नहीं, वो हमेशा से उस जादुई चिराग में ही रहता है। तुम्हें अंदर घुसना होगा, लेकिन जरा संभल कर, वो धोखेबाज है। अगर ये लेवल हार गए, फिर से शुरू करना होगा। मुझे यकीन है कि हम ये कर पाएंगे महाराज। और मुझे भी। राजकुमारी मेल और टिम्मी एंटीक स्टोर में पहुँचे। वो सावधानी से अंदर घुसे। अंदर जाने के लिए जादुई चिराग पर एक पहेली थी।
क्योंकि मेल पहेली सुलझाने में माहिर थी। उसने पहेली को सुलझाया और वो अंदर गए, सीधे जादूगर के राज्य में। वो देखो तुम्हारा भाई। ईथन, मेल, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं आ रही हूं ईथन। आहा, तुम दोनों बहुत उतावले हो, ये इतना भी आसान नहीं है। मेल, पीछे हटो, मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल टिमी, राजकुमारी को बचाओ और बदले में तुम्हें राजकुमारी का प्यार मिल जाएगा। जल्दी करो जादूगर। ठीक है, अगर तुम जल्दी चाहते हो तो इसे याद रखो। जादूगर ने तेज गति वाला संगीत बजाया और टाइल्स हर स्वर से जगमगा उठी, लेकिन टिम्मी और मेल के लिए याद रखना बहुत मुश्किल था। ओह नहीं, तुम ये कैसे कर पाओगे? मैं कर लूंगा। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। टिम्मी टाइल्स के ऊपर से कूदा, सब सही था सिवाय आखिरी दो स्वर के। टाइल्स टूट गई और वो गिर गया। हालांकि वो रीलोड हुआ, एक जान चली गई और दो बाकी थी। मैं ये कर सकता हूँ। टिम्मी फिर से शुरू हुआ, एक बार फिर चूक गया और अब सिर्फ एक ही जान बची थी। नहीं, रुक जाओ। मुझ पे भरोसा रखो। टिम्मी ने एक बार फिर से कोशिश की और वो हार गया। बेवकूफ कहीं का, अब तुम उसे किसी भी तरह वापस नहीं ला सकती। हाँ मैं ला सकती हूँ। क्या तुम पैतृक स्तंभ जा रही हो सिर्फ दवाई लाने के लिए? नामुमकिन। वापस लेवल वन पर जाओ। तुम मुझे कम मत समझो। ओह, मैं तो डर गया। तुम्हारे पास एक मिनट है, समय शुरू होता है अब। मेल तुरंत पैतृक स्तंभ तक पहुंची जहाँ बहुत ठंड थी, तो उसने स्कार्फ पहना जो नीव ने उसे दिया था। मेल बर्फ पर चल कर गई और आखिर में स्तंभ तक पहुंची। उसने ठीक करने की दवाई की इच्छा की और वो आ गई। उसने उसे लिया, टिम्मी की टेबल पर डाला और ये हो गया, वो वापस आ गया। मेल वापस जादूगर के गेम पर पहुंची। 30 सेकंड अभी भी बाकी थे। जादूगर को डर लगने लगा। कहा था ना? ठीक है, मैं गाने को एक आखिरी बार बजाने वाला हूँ। गाना बजने लगा। मेल टाइल्स पर कूदी और सही तरह से ईथन आजाद हो गया। मेल, बचाने के लिए शुक्रिया। ईथन मेरे भाई, चलो जल्दी से तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। घर? तुम्हारे साथ? बेवकूफ, मुझे यहाँ पसंद है, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, अब लड़ो मुझसे। मेल ने गौर किया कि ये ईथन नहीं बल्कि वो शातिर जादूगर था। अपने असली रूप में आओ और मैं लड़ूंगी। यही है मेरा असली रूप, मेरी बहन। हाँ तो चलो देखते हैं। मेल ने आईने को बाहर निकाला और उसके चेहरे के सामने रखा। आईना चमक उठा और रोशनी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। इस तेज रोशनी को मेरे चेहरे से दूर करो। जब तक मेरा भाई नहीं मिल जाता। मुझे माफ कर दो आईने के मालिक, तुम्हारा भाई ऊपर है। मैं अपने चिराग में वापस जाऊंगा, उसे लो और यहाँ से जाओ। मेल, टिमी। एक भूकंप आया और जादूगर का राज्य तहस नहस हो गया। मेल और टिम्मी ऊपर की तरफ भागे और ईथन को छुड़ाया। जल्दी, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो, आत्मा के पेड़ के पास चलो। वो तीनों पेड़ की तरफ दौड़े और चिराग से बाहर निकल गए। जब उन्होंने सांस ली, उन्होंने चिराग को उड़ते हुए देखा। तो ये हो गया, लगता तो ऐसा ही है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये कर दिया। तुमने उस खतरनाक जादूगर को हरा दिया। खैर पूरी भीड़ से भले दो टिमी को शुक्रिया कहो। कोई नहीं। भीड़ उत्सुक हुई और इनाम भी भारी था, लेकिन सबसे जरूरी ये था कि वो असली दुनिया में वापस पहुंच पाए। बाय टिमी, तुमसे मिलती रहूंगी। मैं भी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेल, अब से मैं सुधर जाऊँगा। मुझे भी तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। वैसे मुझे भी अब गेम्स अच्छी लगने लगी हैं। अब दोनों साथ खेलेंगे। और इस तरह राजकुमारी मेल ने ईथन को गेम से बचाया। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे, जो एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। राजकुमारी मेल के साथ मिलकर राजकुमार ईथन ने लोगों की मदद की, अपना काम पूरा किया और मन लगाकर पढ़ाई की। शाम में दोनों ने वीडियो गेम्स खेली और टिम्मी से भी मिले।